और ब्रेक के बाद इस वक्त की एक बड़ी खबर है, खबर है दिल्ली के संगम विहार से, जहां नाबालिग लड़की को गोली मारने के मामले में गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने अरमान अली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। इस मामले में दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 25 अगस्त को लड़की को मारी गई थी गोली, स्कूल से लौटते वक्त लड़की को गोली मारी गई थी। और अब इस मामले में बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारियां हुई हैं। छात्रा को स्कूल से घर जाते वक्त गोली मारी गई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए संगम विहार में उस घटना से जुड़ी हुई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और अरमान अली को गिरफ्तार किया गया, वही शख्स जिसने गोली मारी है। देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में, यहां पर सब कुछ सामान्य चल रहा था, एक शख्स पीछे से फॉलो करता हुआ आता है। ये देखिए लड़कियां वहां से जाती हुई और आप देखिए घटना को अंजाम देकर वहां से भागता हुआ अरमान अली, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 अगस्त की एक तस्वीर घटना के दिन की और 1 सितंबर को अरमान अली की गिरफ्तारी। संगम विहार की बी ब्लॉक की वही गली है जहां पर 25 अगस्त की शाम को एक 16 साल की लड़की को गोली मार दी गई थी। दरअसल 16 साल की लड़की 11वीं की छात्रा थी, 11वीं क्लास में पढ़ती थी और शाम को जब वो अपने स्कूल से पास में ही अपने घर जा रही थी कि जब वो संगम विहार की इस बी ब्लॉक की गली में पहुंचते तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो पीछे पलट कर यहां पर देखती है कि तभी 3 लड़के आते हैं और उस लड़की के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली लड़की के कंधे में लगती है, फौरन ही पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल जो 16 साल की लड़की है, स्कूली छात्रा है, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बत्रा अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि अरमान अली नाम का एक लड़का था जो कि करीब 2 साल पहले इस लड़की से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आया था। दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी लेकिन पिछले 6 महीने से लड़की ने दोस्ती तोड़ दी थी। वो लड़के से किसी भी तरीके से संपर्क में नहीं थी, बात नहीं कर रही थी और बस यही बात लड़के को नागवार गुजर रही थी। और इसीलिए लड़की को सबक सिखाने के लिए उसने ये कदम उठाया कि जब लड़की अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद स्कूल से घर जा रही थी 25 अगस्त की शाम तकरीबन 4 बजे के, लड़का अरमान मलिक अपने 2 और साथियों के साथ यहां पर पहुंचता है और लड़की को गोली मार देता है उसे सबक सिखाने के लिए। फिलहाल पुलिस ने अपनी तफ्तीश जब आगे बढ़ाई तो सुरागों का सिरा पकड़ते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुनीत शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त, सीधे रुख करेंगे उनका। पुनीत, अभी हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे और आपने जैसा कि बताया कि अरमान के साथ साथ कुछ और साथी भी उसके थे जिस दिन यानी 25 तारीख को घटना हुई, वो कहाँ है, उनके बारे में क्या सूचनाएं मिल रही हैं और अभी तक इस पूरे मामले में किन किन धाराओं में केस पुलिस ने दर्ज किया है? देखिए अरमान ने लड़की को सबक सिखाने के लिए उसको कत्ल करने की साजिश रची थी और उसने अपने 2 दोस्तों बॉबी और पवन को अपने साथ मिलाया था। तो जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, तीनों बदमाश भाग गए, तो सबसे पहले पुलिस ने बॉबी और पवन को गिरफ्तार किया था और उसके बाद लगातार अरमान की तलाश की जा रही थी और 7वें दिन आज सुबह अरमान जो कि मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट आपको बता दूँ कि लड़की के पिता ने जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पुलिस के बीट कांस्टेबल को इसमें शिकायत दी गई थी कि किस तरीके से अरमान अली इनके घर पर पहुंचता है और इनके घर का शीशा तोड़ता है और उनकी लड़की को परेशान करता है। पुलिस ने कार्रवाई की बात करी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं और इसीलिए आज लड़की के पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद उनकी लड़की के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो गोली लड़की के पीठ में लगी है वो अभी निकल नहीं पाई है, उसके शरीर में ही फंसी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि लगभग 6 महीने से 1 साल के बाद जब जख्म भर जाएगा उसके बाद ऑपरेशन के जरिए उस गोली को निकाला जाएगा। फिलहाल अरमान सहित जो दोनों आरोपी और दूसरे हैं, पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है पुनीत, आप नजर बना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।